ऐसे दहशत गर्दों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनका एनकाउंटर या फिर तुरंत प्रभाव से इन्हें फांसी पे चढ़ाया जा। दादा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। पुलिस जो कर्मचारी या पदाधिकारी है जो 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करता है, उसको तो हम दोषी मान ही नहीं सकते। तो ये दुर्भाग्य है कि अभी तक वो हत्यारे जिंदा है। आज 90 दिन पूर्ण हो गए, लेकिन आज भी समाज ये जानना चाहता है कि अब हुआ क्या जी। क्योंकि गिरफ्तारी आपने कर ली, जांच आपने कर ली, और देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी NIA जब जांच कर रही हो और इतना समय लग जाए, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता ही है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा सर, ये यात्रा मैनेज है, और या तो किसी मंत्री ने मैनेज की है, सरकारी जो नेता है उसने मैनेज किया, सरकार ने मैनेज किया। चित्रकूट, वैशाली में, राजस्थान में, जयपुर में श्रद्धांजलि सभा, और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा पर धरना प्रदर्शन का आयोजन हमने कर लिया है। इस आयोजन के पश्चात लिखित में जब तक हमें सरकार नहीं देगी, हम मैदान को नहीं छोड़ेंगे, और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में ये क्षत्रिय समाज अब जवाब देगा। नमस्कार, स्वागत आपका NBSC न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शिखावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 दिसंबर इसी दिन जयपुर में इसी घर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मैडी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस हत्याकांड को काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनकी जो चाहने वाले हैं, उनके साथ जो काम करते थे कार्यकर्ता, उनका परिवार खास तौर पर, वो अभी भी सरकार से बस यही मांगे कर रहा है कि हमें न्याय कब मिलेगा। मेरे साथ राज शेखावत जी मौजूद है। इनसे पहला सवाल सर यही है, इस हत्याकांड को बहुत समय हो चुका है, क्या मांगे है कि सरकार अब तक जाग क्यों नहीं रही है? दुर्भाग्य है जी। आज ही के दिन December 5, 2023 के दिन कुछ गिदड़ों द्वारा हमारे शेर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या धोखे से कर दी गई जी। और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला चला, और आज 90 दिन पूर्ण हो गए, लेकिन आज भी समाज ये जानना चाहता है कि अब हुआ क्या जी। क्योंकि गिरफ्तारी आपने कर ली, जांच आपने कर ली, और देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी NIA जब जांच कर रही हो और इतना समय लग जाए, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता ही है जनता के जहन में। और वही प्रश्न आज मुझे भी है कि भाई ऐसी तो क्या मजबूरी है NIA की कि उन्हें 90 दिन और मांगने पड़े चार्जशीट करने के लिए। NIA जैसी संस्था को यदि इतना इंतजार करना पड़े, तो जो एक आम पुलिस जो कर्मचारी या पदाधिकारी है जो 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करता है, उसको तो हम दोषी मान ही नहीं सकते। तो ये दुर्भाग्य है कि अभी तक वो हत्यारे जिंदा है। हम ये कहते भी आए हैं, दादा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हम यही चाहते हैं, उस दिन भी हमारी यही मांग थी, समाज की भी यही मांग थी, सर्व समाज की भी यही मांग थी कि जो भी हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर तुरंत किया जाए, और आज भी हमारी वही मांग है। आप अब आपने गिरफ्तारियां कर ली है तो आप उन्हें फांसी दे दें। आपने इंट्रोगेशन कर लिया, जांच कर ली, और मुझे पता है कि आप उन मुख्य सूत्रधारों तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारियां आज भी नहीं हुई। 90 दिन होने के पश्चात आज भी वो जो दोषी थे हत्या के, क्योंकि दोषी तो सारे थे, हत्यारों के अलावा जो मददगार थे, जो सूत्रधार थे, वो भी तो दोषी थे, तो वो क्यों गिरफ्त में नहीं आए? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राजकीय दबाव NIA के ऊपर है जिसकी वजह से NIA अपना कार्य कहीं नहीं कर पा रही। बाकी बेल्ट फोर्स से मैं भी आया हूँ, हमने भी काम किया है कश्मीर में, 8-8 साल हमने अपना दायित्व का निर्वहन किया है, हमने भी वहां पर आतंकियों को ढेर किया है, और ये तो आतंकी है भाई, जिन्हें संविधान का डर नहीं लगता, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है, उन्हें आपने गिरफ्तार कर रखा है, आपने जेल में बंद कर रखा है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो कल बिल्कुल शक के बिना पे फिर छूट जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने हथियार बरामद नहीं किया है। तो शक के बिना पे छूटेंगे, फिर वो हत्याओं का अंजाम देंगे। तो ऐसे दहशत गर्दों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनका एनकाउंटर या फिर तुरंत प्रभाव से इन्हें फांसी पे चढ़ाया जा, तभी ये क्षत्रिय समाज इस लड़ाई को खत्म करेगा। अन्यथा ये लड़ाई जब तक हम
इन हत्या के दोषियों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल। मैं राज्य आपसे एक सवाल और पूछूंगी कि जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा कि चित्रकूट स्टेडियम में पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा होने वाला है, विधानसभा का घेराव करना करोगे आप सभी लोग, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या तैयारी आप लोगों की? ऐसा है हुकुम, हत्या के एक महीने के पश्चात मैंने खुद ने लाइव आकर समाज और सर्व समाज से अपील की थी कि भाई एक महीना हो गया अभी तक कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है हमें, तो क्या किया जाए। मैंने मेरी बात रखी कि भाई लोकसभा घेरे या विधानसभा घेरे राजस्थान की, तो समाज ने उत्तर में ये दिया कि साहब अभी फिलहाल विधानसभा घेरने का हम करते हैं। तो मैंने उस दिन घोषणा की कि भाई 5 मार्च तक का समय हम देते हैं, 90 दिन का समय इनको मिलना चाहिए, हमने दिया। और आज 90 दिन होने के पश्चात हमें ये जानने मिल रहा है कि 90 दिन की और मांग चाचर के लिए एनआईएन की जी। तो अब ये तो हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज हो गया कि भाई हमारे निवेदन के बाद भी आप चाचर भी दाखिल नहीं कर रहे, 90 दिन के लिए और दिन मांग रहे हो और न गिरफ्तारियां कर रहे हो, तो अब हम क्या इसको सोचें। तो हमने उस दिन घोषणा की थी 6 मार्च की, और वो घोषणा आज हम लोग उसको आयोजन करने जा रहे हैं। 6 मार्च जो है, आज 5 मार्च हो गई, 5 मार्च यानी 90 दिन पूर्ण हो गए। 6 मार्च को हम लोगों ने चित्रकूट, वैशाली में, राजस्थान में, जयपुर में श्रद्धांजलि सभा और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा पर धरना प्रदर्शन का आयोजन हमने कर लिया है। और सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, सर्व समाज के लाखों लोग पूरे भारतवर्ष से कल वहां आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि सभी में आक्रोश है जी। और जब हमने आक्रोश व्यक्त किया, साहब मैं बताऊं मेरी बात, जब मैंने अंतर आत्मा का जब आक्रोश व्यक्त किया और उन दोषियों को मैंने खरी खोटी सुनाई, तो साहब मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई। यानी वो हमें डरा धमका के चुप करवा देंगे, एक तो आप हमारा मुखिया मार दो और हम उस परिवार के सदस्य आपको खरी खोटी सुनाई भी नहीं, इतना बड़ा जंगल है इस भारत देश में। मैं तो आपके माध्यम से सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, एनआईए से, कि आप ऐसे दहशतगर्दों का खात्मा करो, ताकि जो भय भय जो फैलाया है इन्होंने इस भारतवर्ष की जनता में, उस भारतवर्ष की जनता को भय मुक्त किया जा सके। और इसी पे हम लोगों ने कल का आयोजन 12 बजे का रखा है, और इस आयोजन के पश्चात लिखित में जब तक हमें सरकार नहीं देगी हम मैदान को नहीं छोड़ेंगे, और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में ये क्षत्रिय समाज अब जवाब देगा जी। सर समय तो उस समय भी था आप लोगों के पास, आप लोगों ने जो मांगे दी थी और वो मांगे मानी क्यों आप लोगों ने, उसको लेकर क्या कुछ अगर बता पाए आप? ऐसा है, संघर्ष समिति का गठन हुआ था, संघर्ष समिति में जो भी लोग थे वो हमारे सिरमौर थे, हमारे समाज के अनमोल रत्न थे, समाज की वो धरोहर थी, और उनका आदेश हमारे लिए उस सराखों पे था। वो 15 सूत्री मांगे थी और उन मांगों पे सहमति हो गई, लेकिन आज 90 दिन होने के पश्चात भी उन मांगों पे पूर्ण तरह से अमल नहीं हुआ है, तो उनका तो कोई दोष है नहीं। वो 15 सूत्री मांगे जो थी उन पे अमल करना ये सरकार का दायित्व था, तो अभी तक नहीं हुआ है, तो वो मांग भी हमने रखी है इसमें कि भाई ऐसा क्यों, तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमने जो मांग रखी है वो मांग रखी है कि जितने भी हत्या के दोषी है उन सभी की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो, चाहे फिर विदेश में हो चाहे किसी जेल में हो, इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर चार्जशीट तुरंत दाखिल कर इनको फांसी लगाई जाए या फिर इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। एनकाउंटर पहले भी बहुत हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आज भी हो रहे हैं। तो जो ये दहशतगर्द है जिनको कानून की भाषा समझ में नहीं आती, उनको गोली की भाषा से आप समझाओ, ताकि एक एग्जांपल सेट हो और ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन भविष्य में देश का कोई भी व्यक्ति करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। तो ये एक हमारी मांग है। दूसरी जो हमारी मांग है वो है जितने भी गवाह हैं इस घटना के, उन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार करे, ताकि वो गवाही बिल्कुल बिना डरे दे सके। और जो तीसरी हमारी मांग है वो मांग है कि भाई हमारे जो सुखदेव सिंह के अंग रक्षक थे नरेंद्र सिंह जी, जो अभी घायल हैं घर पे ही विश्राम में हैं, उनके लिए भी सरकारी सहायता मुहैया हो, उनके परिवार में जो उनका बच्चा है कम से कम उन्हें हथियार का लाइसेंस प्रदान किया जाए, ताकि वो जरूरत पड़ने में अपने परिवार की रक्षा कर सके। और जो चौथी हमारी मांग है वो है 15 सूत्री जो मांगों पे संघर्ष समिति ने सहमति दर्ज करवाई थी आपके साथ, उस पर अमल किया जाए। सुबह सुबह जब मेरे पास फोन आया सुखदेव सिंह के जो रियल ब्रदर हैं, जो सगे भाई हैं सुनील सिंह जी का, उन्होंने भी मुझे आज सुबह बात की, मुझे कहा कि राजदादा हम लोग रियल ब्रदर हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुरक्षा का कुछ ठिकाना नहीं है,
तो रियल ब्रदर तो हम है, तो हमारी सुरक्षा तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे एप्लीकेशन मंगाई, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, और मैंने उस वो भी एक मांग हम रख रहे हैं कि उनका जो रियल ब्रदर है या उनका परिवार है उनको भी हथियार जो है उसका लाइसेंस शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान किया जाए। सभी मांगों को लाइसेंस प्रोवाइड करवाना सुरक्षा के दायरे में आता है। ऐसा है सर, मैं अब हर किसी व्यक्ति को तो पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है ना, क्योंकि उनकी भी मर्यादा है। अब हर एक व्यक्ति बच्चे तक यदि पुलिस प्रशासन देने जाएगा तो फिर ये जो बाकी जो कानून व्यवस्था है उसे कौन संभालेगा। इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि भाई परिवार का कोई सदस्य है जो रियल भाई है या रियल परिवार का है तो उसको आप वेपन दो, और जिसको वेपन दे रहे हो उसको एटलीस्ट इसकी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उस हथियार से उन्हें फायर भी करना है। तो जो भी है जो एज पर नॉर्म्स जो लाइसेंस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, वो सारे नॉर्म्स को पूर्ण करके और उनको लाइसेंस प्रदान किया जा सके, ताकि भविष्य में उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन हो ना हो वो अपना और अपने परिवार का रक्षा सुरक्षा कर सके। जी सर, एक सवाल हो रहा है कि उस समय जो सरकार थी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है कि जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने लगातार कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मेरी जान को खतरा है, मेरी बीवी बच्चों को खतरा है, उस समय कोई मदद नहीं की गई, अब जाकर क्यों प्रोटेक्शन दी जा रही है। यही तो दुर्भाग्य इस मेरे भारतवर्ष का, जब तक इस देश में ऐसी घटनाओं का घटना घटित नहीं होती तब तक कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी चूक मैं तो कहूँगा उस वक्त की सरकार का, जो भी सरकार रही हो उस वक्त के प्रशासन में जो भी अधिकारी रही हो, और वो मांग हमने इन 15 सूत्री में रखी है कि जो भी दोषी थे उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो वो एक बात दुर्भाग्य था कि जब जान से खत्म करने की जब उनको धमकियां मिल गई थी केंद्र से, और पंजाब सरकार ने जब इंटेलिजेंस इनपुट दे दी सरकार को प्रशासन को, तो फिर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई देनी चाहिए। अभी आप देखिए मुझे भी तो धमकियां बहुत सारी मिली हुई है, खुलेआम धमकियां, हजारों धमकियां मिली है, लेकिन आज तक मेरे पास भी कोई सुरक्षा वहाँ की सरकार के द्वारा दी नहीं गई है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं एक फौजी हूँ, शार्प शूटर हूँ, और वेपन मेरा खुद का लाइसेंस का है, चैम्बर में राउंड रखता हूँ। मौका यदि मिल गया तो मैं किसी को जाने तो दूंगा नहीं, मौका नहीं मिला तो परमात्मा की जो मर्जी मुझे स्वीकार है, बट मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। 5 मार्च तक मुझे मारने की उन्होंने धमकी दी, आज 5 मार्च मार दे, मैं तो मेरा कार्यक्रम कर ही रहा हूं, मैं तो कहीं रुका भी नहीं हूं। और जिन्होंने मुझे धमकियां दी थी साहब, उनके नंबर हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हमारे करनी सेना तक पहुंचा दिए थे, क्योंकि हम उनके बाप हैं, उनसे कमजोर नहीं है। और उन गैंगस्टर, जिन गैंगस्टरों ने हमें धमकी दी है, उन गैंगस्टरों को हमारे क्षत्रिय युवाओं ने बताया कि तेरे में ताकत हो, आ जा और फिर देखते कौन भारी है। तो हम तो किसी से डरते नहीं, हम डरते सिर्फ परमात्मा से हैं। और जो घटना घटित हुई वो यदि सुरक्षा प्रोवाइड कर दी जाती थी सुखदेव सिंह, तो शायद आज हमारे बीच में सुखदेव सिंह उपस्थित होते। जी जी सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। शीला शेखावत जी ने जौहर करने की बात कही कि मैं सीएम आवास पर जाकर जौहर करूंगी, उसको लेकर क्या कुछ कहना, क्योंकि आप लोग तमाम चीजें देख रहे हैं, आप लोग भी मीडिया से रूबरू हैं, टीवी देख रहे हैं, वो यात्रा कर रही है, उसको लेकर क्या कहना है। ऐसा है, मैं तो एक ही चीज कहूंगा साहब, ये यात्रा मैनेज है जी। और या तो किसी मंत्री ने मैनेज की है, सरकारी जो नेता है उसने मैनेज किया, सरकार ने मैनेज की है, क्योंकि ये इतिहास पुनरावर्तित किया गया है। सेम इसी तरीके का इतिहास एक बार रचा था इन लोगों ने मध्य प्रदेश भोपाल में, 8 तारीख का आयोजन पूर्व नियोजित आयोजन था, और 5 तारीख को एक कार्यक्रम की घोषणा की सरकार के मैनेज होके, और उस 8 तारीख के आयोजन को विफल करने की पूरी कोशिश की, वो कार्यक्रम विफल नहीं हुआ, वो सफल हुआ। फिर एक बार उसी घटना उसी इतिहास को इन्होंने दोहराया, और जब इनको पता है हमारी सब बातें हो चुकी है, जब मैंने इनको कहा कि भाई ऐसा है तो आप संभाल लेते कमान, हमने कहा मना किया आपको, आप संभालो कमान, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जो मैसेज है, जहाँ तक मैं मेरा अनुभव कहता है सर, ये लोग भी मैनेज्ड है, इन्हें मैनेज करने वाले जल्द ही समाज के सामने, समाज मूर्ख नहीं है, समाज मूर्ख नहीं है, समाज को पता है कि राज शेखावत जी ने स्वाभिमान, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मेरे, क्योंकि ये धरोहर समाज की थी, किसी एक परिवार की धरोहर नहीं थी, समाज की धरोहर थी, और ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे हमला था, और क्षत्रिय कभी भी मान सम्मान और स्वाभिमान हमला बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए राजशेखर ने कमान संभाली और मैदान में उतरा, जब पता है 2 महीने पहले हमने इसकी घोषणा की है, तो फिर अचानक 3 तारीख की घोषणा का
विजन रीजन क्या है, ये आपको उनसे अवश्य पूछना चाहिए कि जब राज शेखावत जी आप ही के पति को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और पूरी क्षत्रिय कमिश्नरी सर्व समाज को साथ लेकर और आप सभी को साथ लेकर कूदने की तैयारी कर रहे हैं और आप उस वक्त तो साथ देते नहीं, आप विरोध करते हैं और अचानक आप मैदान में आते हैं, 3 तारीख की घोषणा करते हैं, तो ये 100% मैं आपसे कहूं ये पूरी की पूरी जो उनका आयोजन है वो मैनेज्ड आयोजन है और मेरी माँ करणी मेरे साथ है और मेरी माँ करणी कल उस आयोजन में हमें जो एक लक्ष्य लेके निकले उस लक्ष्य को हमें अवश्य प्रदान करेगी। सर लेकिन शीला शेखावत ये बात कह रही है कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मैं दूसरों के लिए न्याय मांग रही हूँ, तो वो दूसरे कौन है, किसके लिए मांग रही है न्याय, अगर उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए तो फिर वो मांग क्यों रही है? अब ये कब का है तो मुझे पता नहीं, बट वो तो उन मांगों के लिए ही मैदान में उतरी जो मांगे संघर्ष समिति ने 15 सूत्री रखी थी जी। अब उसमें सब कुछ था, अब इसका ज्यादा से ज्यादा जवाब तो शीला शेखावती आपको दे पाएंगी और मैं तो यही चाहूंगा कि ये सवाल सब है वो आप उन्हीं से पूछे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आज ये राज शेखावत एक भगवान राम जैसे मेरे गुरु और ये भरत आज उनके पद चिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनका जो अधूरा सपना वो पूर्ण 100% किया जाएगा और आज भी वो मेरे साथ हैं और भविष्य भी मेरे साथ रहेंगे, उनका मार्गदर्शन क्योंकि वो गुरु थे और आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, तो मेरे गुरु को ये मेरी श्रद्धा सुमन मेरा श्रद्धांजलि है कि मैं उनके सभी हत्या के दोषियों को अंजाम तक नहीं पहुँचाऊँगा तब तक मैंने आज यहाँ पर कसम ली है समाज की ओर से, वो जो खून यहाँ बिखरा पड़ा है उस खून की मैंने कसम ली है कि जब तक मैं समस्त हत्या के दोषियों को अंजाम तक नहीं पहुँचा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा और जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ और ये चीज उनका परिवार भी जानता है और इस देश की जनता भी जानती है, मेरा समाज भी जानता है। सर्व समाज से क्या अपील है कल को लेकर कि किस तरीके से वो आप लोगों का सहयोग करे, जिस तरीके से आप लोग घरों से निकलकर बहुत दूर दूर से एकजुट हो रहे हैं अपने समाज के लिए, आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर्व समाज से अपील करना चाहता हूँ, क्षत्रियों से तो मेरी अपील है ही और सभी जितने भी संगठन हैं उनके जो मुखिया हैं उन सभी से भी मेरी अपील है कि कल का जो आयोजन है चित्रकूट में 12 बजे श्रद्धांजलि सभा और विधानसभा धरना प्रदर्शन का, उस आयोजन को आप सभी की उपस्थिति से ही सफल बनाया जा सकता है जी। तो आप सभी आप बड़ी संख्या में पधारें, मैं तो गुजरात से आया हूँ, वो तो राजस्थान गई लेकिन रहता गुजरात हूँ, जब मैं गुजरात से यहाँ आकर और सरकार को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं अल्टीमेटम दे सकता हूँ, तो सब आप यहाँ उपस्थित हैं तो आपकी उपस्थिति तो अनिवार्य है और ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आपकी और हमारी सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतने के लिए इस लोकतंत्र में हथियारों की आवश्यकता नहीं है, संख्या की आवश्यकता है, तो संख्या एकत्रित करना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक सवाल रहा आपने पूछा था मुझसे कि भाई शीला शेखावत को क्या आर्थिक व्यवस्था है, जो भी आपने मुझसे जो सवाल पूछा मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जब वो आंदोलन चल रहा था तब मैंने घोषणा की थी कि भाई ये जो परिवार है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का, जब तक जीऊँगा उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रत्येक माह में उपलब्ध कराऊंगा और मैं उस दिन से आज तक वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। उसके अलावा महेंद्र सिंह डाबड़ा जी हैं जिनका देहांत हो गया, वो भी युवा अध्यक्ष थे हमारे सूरजपाल अम्मू जी के संगठन से, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, हमने हमारे नरेंद्र सिंह फौजी हैं जो अभी बिस्तर पे हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है और साथ ही साथ जो अजीत सिंह राजावत जी का भी उस दिन देहांत हुआ था उस अजीत सिंह जी के परिवार को भी मैं इसी मंथ से यथाशक्ति जो मेरा होगा हर महीने प्रत्येक मंथ उनको मैं प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे से जो बन पड़ रहा है एक सामाजिक आगेवान होने के नाते तो मैं उस दायित्व का 100% निर्वहन अवश्य करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ राज शेखावत जी जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अब लड़ाई या तो आर या पार की हो रही है या फिर आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द मान लीजिए।